नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए ना, आप काफी देर से पी रहे हैं, माफ़ कीजिए। आज हमारी पहली रात है। चलो, पहली रात है, चलो। ललित जी उठिए ना, ललित जी। अब सुबह के 9 बज चुके हैं बहू। वो बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही थी कि बहू अभी तक उठी नहीं, मुझसे रहा नहीं क्या, इसलिए उठाने चला आया। जल्दी सोकर उठ गई। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ठीक है। ललित, तुमने बहू से बात की? अभी नहीं माँ, बाद में कर लूंगा। बाद में कब बेटा, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बात करो बहू से। क्या हुआ माँ जी? वो क्या है ना बहू, शादी से पहले ललित को बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हारे भाई ने 10 लाख देने की बात की थी। 2 लाख तो दे चुका है, बाकी के 8 लाख कब मिलेंगे? अपने भाई को बोलो जल्दी करने के लिए। माँ ठीक बोल रही है रजनी, जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे उतनी जल्दी मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ ललित जी, लेकिन भैया ने तो आपसे कह दिया था ना
कि बाकी के 8 लाख रुपए शादी के कुछ समय के बाद थोड़े थोड़े करके दे देंगे। ये थोड़े थोड़े करके देने का क्या मतलब है? कोई आटे चावल की दुकान नहीं खोलनी है मुझे। बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम एक साथ चाहिए। ठीक है ललित जी, मैं भैया से बात कर लूंगी, लेकिन प्लीज उन्हें थोड़ा समय दीजिए। इतनी बड़ी रकम तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? ललित ने बोल दिया ना, जल्दी करो तो जल्दी करो, समझी तुम? परेशान क्यों होती हो? मैं बात करता हूं ना दीदी और ललित से, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो भैया, वो आज माजी और ललित जी पूछ रहे थे कि बाकी के 8 लाख रुपए कब तक देंगी। मैंने ललित जी को बोला था पहले ही कि बाकी की रकम शादी के बाद वापस कर दूंगा मैं, फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भैया वो ललित जी को अपना नया बिजनेस जल्दी स्टार्ट करना है इसलिए। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, तू ना बस खुश रहना है। ठीक है भैया। अच्छा भैया हम रखते हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ध्यान रखना। ललित क्या हुआ, अपनी पत्नी से इतना क्यों घबरा रहे हो? घबराया नहीं हूँ, वो तुम अचानक आ गए तो उसे चौंक गया था। याद है आपको ललित, जब हमारी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी हमने एक दूसरे से बातें शुरू करी, फिर हम एक दूसरे से मिलने लगे और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर हमारी शादी हो गई। सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना। लेकिन एक शिकायत है मुझे आपसे, आपने हमारी शादी की पहली रात मिस कर दी, लेकिन हम अपनी शादी की दूसरी रात मिस नहीं करेंगे। दूर दूर होके बात करो, कोई मेरे इतने करीब आता है तो घबराहट सी होती है। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। नाराज हो? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, क्योंकि भैया ने वो अभी तक 8 लाख रुपए नहीं दी। मेरा विश्वास कीजिए, भैया जल्दी वो पैसे दे देंगे। पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है मुझे, बस बिजनेस शुरू करने को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी शादी की दूसरी रात सुनी नहीं जानी चाहिए। चलिए ना। एक मिनट में। लेकिन इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? क्यों मंगाया था वो आ गया? ये रहा तुम्हारा कीमती सामान, अब इसके यूज से तुम्हारी हर रात रंगीन।
कहाँ रह गए थे आप? और ये पिंक बॉक्स में क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, ना कभी इस बॉक्स के बारे में कुछ पूछोगी और ना कभी इसे हाथ लगाओगी। जाके बेड पे लेट जाओ, मैं पर्दा लगा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ। इतना अंधेरा क्यों कर दिया? कम से कम एक लाइट तो जलने दीजिए। ये मेरे प्यार करने का तरीका है, लाइट नहीं है। तुम ना मुझे छूओगी ना कुछ करोगी, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तो रूम में ऑलरेडी इतना अंधेरा है, ऊपर से आपने ये काली पट्टी मेरी आंखों पर बांध दी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हर रात सुहानी हो तो अपना मुंह बंद रखो। आज तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम जन्मों तक नहीं भूल पाओगी। नाराज हूँ मैं तुझसे, तू सिर्फ कहने के लिए बेस्ट फ्रेंड है, मेरी शादी में ही नहीं आई। सॉरी यार, जब तेरी शादी का कार्ड मेरे घर पे पहुँचा तब मैं बाहर थी, बट मैं जल्दी ही आऊंगी। ठीक है, पक्का आना और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ पक्का,
वैसे एक बात बता, जीजा जी तो तुझे खूब प्यार करते होंगे, कितना प्यार करते हैं? अरे बता ना यार। हाँ हाँ, यही समझ लो, बहुत प्यार करते हैं ललित जी, बस थोड़े शर्मीले हैं। बहू खाना। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, बाय। लो, हम लोग वहाँ नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और महारानी यहाँ फोन पे लगी पड़ी है। सॉरी माँ जी। सॉरी? अरे फोन क्यों कट किया, बात करो ना। अरे मैं तो कहती हूँ पूरा दिन तुम फोन पे बात करो। नाश्ते की जगह ना हम लोग पानी पी के दिन निकाल लेंगे, समझी तू? सॉरी माँ जी, मैं सिर्फ 10 मिनट में नाश्ता लेके आती हूँ। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में मुझे नाश्ता चाहिए, समझी? दीदी की तो आदत है हर बात का बदनगढ़ बनाने की, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम हैं ना। सारा दिन तुम यहाँ पे काम करते हो, हमसे देखा नहीं जाता, कभी हमें भी मौका दो हाथ बटाने का। कसम से बहुत काम के आदमी हैं। आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, आप प्लीज जाइए यहाँ। मैंने आपके लिए शर्ट ऑनलाइन मंगवाई है, आप पे ये बहुत अच्छी लगेगी, ट्राई कीजिए ना। रख दो, बाद में ट्राई करता हूँ। अभी ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए ना प्लीज। प्लीज तुम बहुत जिद करती हो। मैं चेंज कर गया। अरे पर बाथरूम में क्यों, यहाँ पर भी तो चेंज कर सकते हो। नहीं मैं बाथरूम में चेंज कर लूँ। ललित जी हमारी शादी को 1 महीना हो गया, ना क्यों शर्माते हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई गैर नहीं। ऐसी बात नहीं है। तो कोई तो बात है, मैं देख रही हूँ कि जब से हमारी शादी हुई है आप दूर दूर रहने लगे हैं, कोई भी हक नहीं जमाते कि आप मेरे पति हैं, कोई रोमांटिक बातें भी नहीं करते हैं, छूने पे भड़क जाते हो और मेरे सामने कपड़े बदलने भी कतराते हो। सब क्यों हो रहा है हमारे बीच ललित, क्या मैं आपको पसंद नहीं? बोलिए ना, जवाब दीजिए ललित। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो ज़्यादा सवाल करते हैं, इसलिए हम दोनों के बीच जो चल रहा है वो चलने दो। शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक रजनी के भाई ने बाकी के 8 लाख नहीं दिए, कब मिलेंगे पैसे? देखो भांजे, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा तभी पैसे आएंगे, लेकिन वो भी जल्दी। रखो, इन्हें देख लो, अच्छे से खा पी रही है लेकिन पैसे देने के नाम पर तुम्हारी भाई की जान निकली जा रही है। ऐसा मत कहिए माँ जी, भैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको तो पता ही है ना कि भैया एक मामूली क्लर्क हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं है, पर फिर भी भैया ने कहा है कि वो जल्दी इंतजाम कर देंगे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया, तेरी बीवी तेरे सामने मुझसे जबान लड़ा रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा, खड़े खड़े तमाशा देख रहा है तू। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे माँ से जबान लड़ाने की? मेरे तो सिर्फ अपनी बात रखी बस थी। एक शब्द और नहीं बोलना। जाओ अपने भाई के पास और वापस तभी आना जब पैसों का पूरा इंतजाम हो जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए ललित जी, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी देर में कैसे होगा? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। ललित
मेरी बात तो सुनिए, इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? तूने जो किया ठीक किया। रजनी होगी, पर इतनी जल्दी पैसे लेकर आई? चलो जल्दी देखते, चलो। ये ले, ललित जी को दे देना और बोलना बाकी की रकम बहुत जल्दी दे दूंगा मैं। तू रो क्यों रही है पागल? भैया, पहले मेरी शादी की वजह से आपके ऊपर इतना कर्ज है और अब ये 1,00,000 रुपए कहाँ से आए भैया? मैंने अपनी बाइक बेच दी। क्या बाइक बेच दी? भैया पर वो तो एकदम नई बाइक थी और आपने कितने प्यार से ली थी। मेरी बहन की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है, बाइक दोबारा खरीद लूंगा। भैया सिर्फ 1,00,000 रुपए का इंतजाम ही कर पाए, लेकिन भैया बाकी के पैसों का इंतजाम भी जल्दी कर देंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, लाओ। रुको, ये पैसे ललित को नहीं, मुझे दो। आज से इस घर का सारा पैसा मैं अपने पास रखूंगी। लाओ ये पैकेट मुझे दो। मैं अपने पैसे आपको क्यों दूं? कौन है आप? मैं इस घर की नई मालकिन और तुम्हारे पति की पहली पत्नी पायल, यानी तुम्हारी सौतन। सौतन? ललित जी, मम्मी ये औरत क्या बकवास कर रही है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? चुप क्यों हो? चुप इसलिए हूँ क्योंकि ये सच बोल रही है। पायल मेरी पहली पत्नी है। क्यों किया इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम सबने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अपने भैया को सब बता दूं। अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना, तो तुझे और तेरे भाई को जान से मार दूंगा। फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू और तेरा भाई किस दुनिया में चले गए। जी
सॉरी। देखो रजनी, पायल बहुत खतरनाक औरत है। बंदूक की नोक पे उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और अब यहाँ पे भी आ गई। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी की वजह से कर रहा हूँ। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो हम सबको मार देगी। इसलिए जब तक वो यहाँ पे है उससे दूर रहना। और हाँ, अगर वो तुमसे कुछ भी कहे तो उसकी किसी भी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना। बहुत जल्द मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मुझे देख के तुम्हारी सांसें क्यों अटक गई पति देव? क्या खुसुर खुसुर चल रही है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं इसे बोल रहा था कि जब तक तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखो, तो घर सब कुछ अच्छी तरह चलेगा, है ना भैया जी? अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। ललित छोड़िए ना, मुझे काम करने दीजिए। मामा जी, ये क्या बेहुदा हरकत है? बेहुदा हरकत नहीं है रजनी, बहुत दिनों से तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहते थे। हमारी इच्छा पूरी कर दो, आओ ना मेरे पास आओ। मामा जी दूर रहिए मुझसे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अरे चिल्लाने से क्या होगा पगली, हम तो तुम्हारे शुभ दिन तक हैं। जो प्यार तुम्हें ये ललित नहीं दे सकता ना, वो हम देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कि क्या बकवास कर रहे हैं मामा जी? अरे चिल्ला क्यों रही हो पगली, हम तो यहाँ प्यार बांटने आए हैं और प्यार तो बांटने से बढ़ता है ना। और ललित, ललित, ललित देखो ना, मामा जी हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं, उन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ। मेरे मामा को बदनाम कर दिया, चल हट मेरे सामने से। रजनी का नंबर बंद क्यों है? ललित को कॉल करता हूँ। ललित फोन क्यों नहीं उठा रहा? अजीब बात है, रजनी का फोन बंद आ रहा है और ललित फोन नहीं उठा रहा। देखता हूँ, दो दिन से रजनी को फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है और ललित जी भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। माँ जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ वो बुलाइए ना उसे। रजनी, रजनी भाग गई तुम्हारी बहन अपने आशिक के साथ। जी क्या कह रहे हैं आप ललित जी? सही कह रहा है मेरा बेटा, तुम्हारी बहन अपना मुंह काला करके ये घर छोड़कर चली गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रजनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर इतना ही विश्वास है अपनी चरित्रवान बहन पर तो लो ये चिट्ठी पढ़ लो। भागने से पहले उसने मेरे नाम पर ये चिट्ठी लिखी थी, तो पढ़ लो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसीलिए घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये हैंडराइटिंग तो रजनी की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे यकीन करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया ना, पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने।
अब यहाँ खड़े क्या हो, जाओ अपनी बहन को ढूंढ लो। जाओ यार। आपकी बहन के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। कितनी शरीफ दिखती थी ना बेचारी। किसने सोचा था एक दिन ये दिन भी देखना पड़ेगा। जी आप कौन? ते पहले तो इस घर में आपको नहीं देखा मैंने। ये हमारी रिश्तेदार हैं, कुछ दिन के लिए आई हैं यहाँ पे। खड़े खड़े वक्त क्या बर्बाद कर रहे हो, जाओ जाके अपनी बहन को ढूंढो। मुझे 2 लाख चाहिए इसी वक्त। मेरे पास दारू पीने के पैसे नहीं है, तो मैं 2 लाख कहाँ से दे दूँ? जब पैसे आएंगे तब ले लेना। तुम दारू पियो या जहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे 2 घंटे में नहीं दिए तो तुम लोगों की असलियत मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। कैसी असलियत? इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? आपकी पत्नी रजनी के भाई ने कंप्लेंट की कि इनकी बहन 2 दिन से लापता है। कहाँ है आपकी पत्नी? अरे सर, हमने इनको बताया है कि इनकी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है। आज ही हमने चिट्ठी भी दी है उन्हें। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं लोग। 2 दिन पहले रजनी से मेरी बात हुई थी। किसी बात को लेकर परेशान थी बेचारी, कुछ बताती नहीं थी पूछने पे। अपने घर की तलाशी लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे ऐसे कैसे तलाशी लीजिए, अपनी बहन के साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये भाई बहन ना एक नंबर के झूठे और मक्कार है। इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए। हमारे पास घर की तलाशी का भी वारंट है, और वैसे अगर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? कांस्टेबल तलाशी लो। ये दरवाजा क्यों बंद है? सर ये स्टोर रूम है, तो यहाँ पे घर का सारा सामान रहता है। खोलो इसे। सर ये दरवाजा बंद रहता है। जल्दी खोलो इसे। लो चाबी, लो चाबी लो। बाहर चलो, ले जाओ इसे बाहर। रजनी, 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 रजनी। पैसों की लालच में इन लोगों ने मेरी बहन के साथ जानवरों से भी गंदा सलूक किया है। छोड़िएगा नहीं इन लोगों को। आप सब लोग पुलिस स्टेशन चलिए। कांस्टेबल ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति और उनके घर वालों को सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि धोखाधड़ी के लिए भी सजा मिलनी चाहिए। कैसी धोखाधड़ी? यही कि मेरा पति ललित एक लड़का नहीं लड़की है। ये क्या बकवास कर रही हो इंस्पेक्टर साहब? ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप ललित का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए, अभी के अभी सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। कांस्टेबल कहाँ लेके जा रहे हो मुझे?
ये झूठ बोल रही है, ये पागल हो गई इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है। रजनी सच बोल रही है सर, ये लड़का नहीं लड़की है। क्यों? एक औरत होके एक औरत को धोखा दिया, धोखेबाज। तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हरकतों की वजह से मुझे इस पे शक होने लगा था। देखिए यार, इसका इस्तेमाल रोज रात को ललित करता है। मुझे नहीं पता इसमें क्या था। वो तो एक रात को मैं इसकी कवर में कपड़े रख रही थी और तब ललित जी ने क्यों रखा है? तो ललित जी की फोटो है। तुम्हारी असलियत सब पता चल गया मुझे कि तुम लड़का नहीं एक लड़की हो। अब देखो, तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भेज के रहूंगी मैं। इसे सब पता चल गया। ना तू कभी यहाँ से बाहर जाएगी और ना कभी किसी को कुछ पता चलेगा। और फिर इन लोगों ने मुझे घर में ही कैद कर लिया और जबरदस्ती मुझसे वो लेटर लिखवाया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। और ये कौन है? ये पायल है, मेरी पहली पत्नी। इंस्पेक्टर साहब, रजनी की तरह इसने मुझे भी धोखा दिया था। 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही मुझे पता चल गया था कि ये लड़का नहीं लड़की है। इन लोगों ने पैसों के लिए मुझसे झूठ बोलकर शादी की और इन लोगों से बदला लेने के लिए मैंने इनके साथ सौदा किया कि हर महीने मुझे 1,00,000 रुपए देंगे। लेकिन उससे पहले ही ये लोग यहाँ से भाग गए। मैं चाहती तो पुलिस कंप्लेन भी कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद इन लोगों का पता लगाया और जब मुझे पता चल गया कि ये लोग यहाँ हैं तो इन पे नजर रखना शुरू किया और एक दिन इनके घर के अंदर घुस गई। तुम्हें दहेज देने के चक्कर में मेरे बाप ने घर तक बेच दिया, अब उसकी दुगनी भरपाई तुम लोग करोगे। और हाँ, आज से मैं यही इसी घर में रहूंगी तुम लोगों के साथ। और तुम लोगों में से किसी ने भी जरा सी भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी और पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरा बैग मेरे रूम में पहुंचा दो। ऐसा क्या हो गया था कि आपकी बेटी को लड़का बनना पड़ा?
क्या है इसकी असलियत? इसका असली नाम लता है। मेरी एक ही बेटी है। जब भी इसका रिश्ता पक्का होने जाता, दहेज की वजह से इसका रिश्ता टूट जाता। पैसों की कमी की वजह से लता की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक दिन लता ने फैसला कर लिया कि वो ललित बनकर दूसरों से दहेज मांगेगी और पैसों के लालच में लता ने ललित का रूप लिया और हमने इसकी दोनों शादी करा दी। अब बाकी की जिंदगी दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस कर काटना। कांस्टेबल ले चलो इन्हें, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मुझ में हिम्मत थी इसलिए इन लोगों की सच्चाई जानने के बाद भी खड़ी रही, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है। ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी अमानत। अपना ख्याल रखना।